क्या बता दे आपको, नुहू जिले के कोरे जिला अध्यक्ष जेजेपी के रहे तैयब हुसैन घासड़े ने आज जेजेपी पार्टी से अलविदा कहा है और आज हमारे बीच में तैयब घासड़े मौजूद है, उनसे बात करना चाहेंगे। आखिर किस कारण से जेजेपी पार्टी उन्होंने छोड़ी और किस पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया है? सर बात करते हैं पार्टी को छोड़ने के लिए, जो क्या कारण रहा जो पार्टी को छोड़ा गया? देखिए सोनू जी, आप भी मेवात से ही संबंधित है, पार्टी को छोड़ना कोई शौक में नहीं छोड़ रहे। पार्टी ने जिस दिन सरकार की जिस दिन पार्टी भागीदार बनी उस दिन मेवात की जनता को बड़ी उम्मीदें थी। और जो मेवात की मुख्य समस्याएं थी, मेवात यूनिवर्सिटी, मेवात कैनाल, फोर लेन जो 248 है जो नेशनल हाईवे उसकी फोर लेनिंग का, और स्वास्थ्य के बारे में, रोजगार के बारे में, सिंचाई के पानी के बारे में जो मुख्य मुख्य समस्याएं थी, हर महीने हर सप्ताह माननीय दुष्यंत चौटाला जी को अवगत कराया गया, लेकिन उन्होंने किसी भी समस्या को गंभीरता से मेवात की को नहीं लिया। तो इससे व्यक्तिगत रूप से भी हमें राजनीतिक रूप से क्षति हो गई थी, लिहाजा मेवात के हित को देखते हुए मैंने इस पार्टी को अलविदा कहा है। और जैसा कि आपको पहले भी बताया था, मैं इस परिवार की जड़ों से जुड़ा हुआ हूं, मरहूम चौधरी देवीलाल की नीतियों से जुड़ा हुआ हूं, माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की नीतियों से जुड़ा हुआ हूं, और उन्हीं के मार्गदर्शन में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को आगामी 5 फरवरी को ज्वाइन करने, विधिवत रूप से ज्वाइन करने का काम किया जाएगा माननीय अभय सिंह चौटाला जी के मार्गदर्शन। जी बात करते हैं, क्योंकि पिछले अगर बात करते हैं 5 साल की, हम बात करते हैं क्योंकि 5 साल दोनों तरफ सरकार रही है, तो विकास की अगर बात करें मेवात में किस तरह का विकास देखने को मिला? देखिये मेवात में अब आप देखिए, ये जो फोर लाइन रोड है नुहू से लेकर बॉर्डर तक, कितने यहाँ एक्सीडेंट होते हैं। ये महकमा माननीय दुष्यंत चौटाला जी के पास था, अगर ये चाहते, पूरे हरियाणा में रोडों को जाल बिछा हुआ है, क्या मेवात के एक रोड के लिए सरकार के पास पैसा नहीं? दूसरी बात रही यूनिवर्सिटी की, इतनी हर जिले में, हरियाणा के हर जिले में एक एक दो दो यूनिवर्सिटियां हैं, क्या मेवात के हिस्से में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है? उसके लिए भी हमने बार बार आवाज उठाई लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मेवात में एक ये मेडिकल कॉलेज है, इसकी इतनी दुर्दशा होगी कि ये एक रेफरल कॉलेज बना हुआ है, यहाँ स्वास्थ्य नाम के नाम पर यहाँ एक पट्टी भी मरीज को नहीं मिलती। इन सब समस्याओं से जब रूबरू कराया तो हमें ये माननीय दुष्यंत चौटाला जी इन सभी समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं लगे, तो लिहाजा मेवात के हित में ही हमने पार्टी छोड़ने का फैसला। यानी कि मैंने आएगी जिस हिसाब से सरकार थी उन्होंने मेवात के अंदर कोई कार्य नहीं किया, जिस कार्य को चलते हुए आज आप उस पार्टी से अपना जो अलविदा कह रहे हैं, तो यही कारण रहा है कि विकास को लेकर? बिल्कुल, चूंकि मेवात में सोनू जी दो ही पार्टियों का ज्यादा सिस्टम रहता था, कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, जब मरहूम चौधरी देवीलाल हो चाहे मरहूम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हो, दोनों पार्टियों को वो रहा था। और अगर दुष्यंत चौटाला जी मेवात के प्रति गंभीर होते, मेवात की इन समस्याओं के प्रति ध्यान देते, मेवात के में काम कराते, तो जेजेपी का यहाँ परचम लहरा होता, वहां कोई और किसी पार्टी को जगह नहीं मिलती। क्योंकि दोबारा से पुनः चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से मेवात के लोगों को उम्मीदें हैं, और हमें भरोसा है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो बात के जबान के धनी है, वो जो उन्होंने जो कहते हैं वो करते हैं। हमें और मेवात की जनता को यह भरोसा है कि अगर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को सत्ता में भागीदारी मिलती है, सत्तासीन होते हैं, तो मेवात की इन समस्याओं को बहुत जल्दी तुरंत प्रभाव से हल कराने का काम किया जाएगा, क्योंकि मेवात को दूसरा घर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और उनका परिवार मानता है। लेकिन मायूसी इसी बात की है कि चौधरी दुष्यंत चौटाला जी भी उसी परिवार से थे, हमें ऐसा महसूस हुआ कि शायद चौधरी देवीलाल की सोच के साथ ही मेवात में काम करेंगे, लेकिन उस सोच के विपरीत उन्होंने काम किया और मेवात को हाशिए पर धकेलने का काम चौधरी दुष्यंत चौटाला जी ने किया, ये अफसोसजनक बात है। जी बिल्कुल, अब बता दें कि जो पार्टी से छोड़ने का जो रीजन था वो यही था कि मेवात में विकास ना होना, और बता दें कि अब इसको लेकर अब इन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में ज्वाइन किया है, 5 तारीख को गुड़गांव में उसको पार्टी को ज्वाइन करेंगे। तो आप देख रहे हैं नुहू से सोनू वर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा।